गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। आज हम क्लास नाइन्थ विषय गणित प्रश्नावली 8 चतुर्भुज पढ़ेंगे। शुरू करें। चतुर्भुज चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चित्र में देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके चार शीर्ष ए बी सी डी है। चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चतुर्भुज ए बी सी डी के दो विकर्ण ए सी बी डी हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। प्रश्न नंबर एक, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:9, 13:13 अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हल, चित्र में देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी है। कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x, कोण सी बराबर 9x, कोण डी बराबर 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x
बराबर 360 डिग्री, जोड़ेंगे क्या मिला, 30x बराबर 360 डिग्री, 30 का भाग देंगे क्या मिला, 12 डिग्री। समझ आ गया? अतः सभी कोण x बराबर 12 डिग्री रखने पर कोण A बराबर 3 गुणा 12 डिग्री बराबर 36 डिग्री, कोण B बराबर 5 गुणा 12 डिग्री बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 9 गुणा 12 डिग्री बराबर 108 डिग्री, कोण डी बराबर 13 गुणा 12 बराबर 156 डिग्री। समझ आ गया? समांतर चतुर्भुज, चित्र में देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। चित्र में देखो, पी क्यू व एस आर, पी एस और क्यू आर समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण R, कोण Q बराबर कोण S। समझ आ गया? आयत, यदि समांतर चतुर्भुज में एक कोण समकोण हो तो वह आयत होगा। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग, यदि समांतर चतुर्भुज में एक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह एक वर्ग है। समझ आ गया? समचतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि एक आयत प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। सॉल्यूशन, माना
ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री हमें दर्शाना है, कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ए डी समांतर बी सी ए बी तिर्यक रेखा है इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। नब्बे डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री क्यों? कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया है, कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर कोण ए कोण बी बराबर कोण डी क्यों? सम्मुख कोण है। इसलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री कोण डी बराबर 90 डिग्री अतः आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रश्न नंबर 3, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी बराबर बी डी। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। प्रमाण, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी ए डी बराबर बी सी क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ए बी बराबर ए बी कॉमन है, बी डी बराबर ए सी दिया है इसलिए भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी सर्वांग सम त्रिभुज
के संगत भाग बराबर होते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी समांतर बी सी और ए बी एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी की जगह कोण ए रखेंगे बराबर 180 डिग्री, दो गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री, अतः एक एक कोण समकोण है, अतः यह ए बी सी डी एक आयत है। समझ आ गया? अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर एक, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है? सही पे चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर दो, एक चतुर्भुज के कोण दो अनुपात चार अनुपात छः अनुपात आठ के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कर लोगे? ओके, थैंक यू।